अभी मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट समझाने वाला हूँ, और यहाँ पर आज हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दो फार्मूला है, अगर वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर जो है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक्स टू हो गया, और इसका वाई कॉम्पोनेंट जो है यहाँ से यहाँ तक वाई टू हो गया। इसी तरह बी का कोऑर्डिनेट जो है एक्स वन वाई वन है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स वन हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो है वाई वन हुआ, और सी का कोऑर्डिनेट जो है एक्स थ्री वाई थ्री है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो यहाँ से यहाँ तक एक्स थ्री है और यहाँ से यहाँ तक वाई थ्री है, ठीक है। तो ये जो है कोऑर्डिनेट ऑफ अगर ट्रायंगल दिया हो तो एरिया निकालने का ट्रायंगल का दो फार्मूला होता है, पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे अभी। तो पहला फार्मूला में जो है इसमें इसका ये इसको मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका समझा देता हूँ। तो वन बाई टू लेंगे और उसके बाद जो है एक्स वन, तो एक्स वन से एक्स वन मतलब वन है, तो वन है तो यहाँ पर टू माइनस थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री होगा, यहाँ पर एक्स टू रहेगा तो टू के बाद थ्री आता है तो वाई थ्री माइनस वाई वन रहेगा, यहाँ पर जो है एक्स थ्री रहेगा, थ्री के बाद फिर से वन आएगा तो वन वाई वन माइनस वाई टू होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम मोड कर देंगे, चूंकि एरिया जो है पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए जो है हम लोग इसका मोड कर देंगे और वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो ये भी एक मेथड है एरिया निकालने का। और दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे, जैसे ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वन बाई टू वन 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 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये फार्मूला है, आसान भी है, इजिली आप याद रख सकते हैं। इसको एरिया निकालने के लिए क्या किया जाएगा, या तो आप फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम दो को जीरो कर दीजिए तो आसानी से इजिली जो है एरिया निकल जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर ये दोनों को जीरो करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी थ्री सी वन लिख दूंगा, है ना, एंड सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन लिख दूंगा। तो इस तरह दो तो ये भी टर्म जो है जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो आप जो है इजिली इस टर्म के हेल्प से आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज इससे क्या आप कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे थ्री पॉइंट दे देगा, है ना, जैसे ए बी सी थ्री पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि इसको प्रूफ करो कि ये जो है एक कोलिनियर पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है जब तीन पॉइंट या जितना भी पॉइंट हो अगर एक ही लाइन पर सिचुएटेड हो तो उसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है, तो कैसे क्या करेंगे, तो कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन क्या होता है कि इसके एरिया जो है जीरो होगा, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो इस तरह हम लोग फिर से ट्रायंगल के फार्मूला को यूज करेंगे और इसके इक्वल में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और अगर ये इसका वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो समझेंगे कि ये जो है तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। एक और तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे दो पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है और पूछता है कि इससे एक इक्वेशन, ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सरसाइज 4.3 का, उसमें दिया हुआ है दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये ए जो है दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया हुआ है वन टू, है ना, और बी का वैल्यू दिया हुआ है थ्री सिक्स, ठीक है, और बोल रहा है कि ये वन टू और थ्री सिक्स से एक इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉर्म करें। तो क्या करेंगे हम लोग, एक अदर पॉइंट ले लेंगे जैसे सी, जिसका हमने नाम रख दिया एक्स वाई नाम रख दिया, है ना, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स वन के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, वन लिखेंगे, एक्स टू के जगह पर हम लोग थ्री लिखेंगे, एक्स थ्री के जगह पर हम लोग एक्स लिखेंगे, वाई वन के जगह पर हम लोग टू लिखेंगे, वाई टू के जगह पर हम लोग सिक्स लिखेंगे, और वाई थ्री के जगह पर हम लोग वाई लिखेंगे, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इक्वल टू में जीरो रहेगा और जो हमें इक्वेशन फॉर्म होगा वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा।